फ्रेंड वेलकम बैक इन मगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा एक का पार्ट पाँच जो था नाम की जगह, कि नाम की जगह हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था कि सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, उस नाम की जगह हम बार बार नाम ले लेकर उस नाम की जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जब सब व्यक्तियों के कुछ नाम होते हैं, सब चीज़ों के कुछ नाम होते हैं, वो तो होती है संज्ञा, और जब उस नाम के स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं सर्वनाम। जैसे नाम के स्थान पर हम क्या करते हैं, मैं, तुम, यह, वह, आपका, उसने, तो ये सब क्या हो गए, सर्वनाम। चैप्टर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सही शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए चित्र दिखाई दे रहा है, लड़का है जो बैठा है और योग कर रहा है। तो प्रश्न क्या है हमारा, कह पे देखिए पार्क में लड़का है, कि पार्क में एक लड़का है, देख रहे हो आप लड़का क्या कर रहा है, योग कर रहा है। अब नीचे वाली लाइन देखिए, योग कर रहा है, उससे पहले खाली स्थान छोड़ा गया है, एक रेखा खींची गई है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बार बार नाम न लेकर उसके जगह पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा है, वह योग कर रहा है। दूसरा क्या है, मैं, तो मैं योग कर रहा है, सही वाक्य नहीं बना, तो हम क्या लिखेंगे, वह योग कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वह लिखना है। फिर खै देखिए हमारा, माँ बैठी है। अब ये देखिए कुर्सी पे एक औरत बैठी है जो माँ है, माँ क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है। अब बार बार माँ ने लेकर हम उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वह आप अपने दिमाग से करोगे, देखिए आप माँ बैठी है, अखबार पढ़ रही है, आपके सामने दो ऑप्शन है, उस या वे। उस अखबार पढ़ रही है, वाक्य सही नहीं बना ना, बोल के देखिए आप सही वाक्य नहीं बना, उस अखबार पढ़ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, माँ बैठी है, वे अखबार पढ़ रही है, कि माँ बैठी है, वे अखबार पढ़ रही हैं। तो दूसरे में क्या आएगा, वे। फिर गए देखिए हमारा तीसरा प्रश्न, मिनी रस्सी कूद रही है। अब चित्र देखिए आप, लड़की है जो रस्सी कूद रही है, उसका नाम क्या है, मिनी। मिनी के पास उसका भाई बैठा है, तो नीचे वाला क्या, भाई पास बैठा है, तो भाई तुम पास बैठा है, वाक्य सही नहीं बना, तो मिनी की जगह क्या शब्द करेंगे हम इस्तेमाल, क्या कौन सा शब्द है, भाई उसके पास बैठा है, मिनी के पास बैठा है ना, तो मिनी के जगह पे हमने दूसरे शब्द का प्रयोग किया, उसके। मिनी रस्सी कूद रही है, भाई उसके पास बैठा है। तो पहले में आप वह लिखेंगे, खै में वे और गै में उसके। फिर देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, वाक्य पढ़िए, नीना के लिए जो शब्द आए हैं उन्हें लिखिए, कि वाक्य आप पढ़ेंगे और ये जो लड़की फुटबॉल से खेल रही है, जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, उसके लिए जो शब्द आए हैं उन्हें आपको लिखना है, सिर्फ उसके लिए जो जो शब्द आए हैं उनको लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। नीना मेरी सहेली है, नीना है वो मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है। दूसरा वाक्य क्या है, वह गेंद खेल रही है, तो नीना के लिए कौन सा शब्द आया है, वह। अब बार बार नहीं लिखा ना, नीना मेरी सहेली है, नीना गेंद खेल रही है, नीना ने पीली फ्रॉक पहनी है, बार बार नाम नहीं लिया नीना का, उसकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, तो नीना मेरी सहेली है, वह गेंद खेल रही है, तो ये जो लाइन खींची गई है, जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वह। जो ये रेखा अंकित खींची गई है ना, उस पे आप लिखेंगे वह। दूसरा है, उसने पीली फ्रॉक पहनी है, तो दूसरा शब्द कौन सा आ गया, उसने। उसे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तीसरा है हमारा उसे, उसे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो उसे लिख देंगे। फिर चौथा है हमारा, मैं उसके साथ खेलती हूँ, क्या है, मैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मैं, नीना के लिए है ना, मैं उसके साथ खेलती हूँ, वह पीली फ्रॉक पहनी है, तो कौन सा शब्द आया है, मैं। सबसे पहले वह, फिर उसने, उसे और मैं। तो स्टूडेंट ये आपका भाषा तरु वाली बुक में पेज नंबर 27 पे है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
आप सुंदर सुंदर राइटिंग में से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।